Okay, friends, now we'll see the optical instruments. Okay, more or less the last, you can say the major part of ray optics, yeah, geometrical optics. Okay, optical instrument. पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके बेटा, कुछ बुक्स में सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, देखिए जनरली ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है. कलर ये रह गई, बराबर देखो बेटा, यहां हो गई, जो सेंटर से जाएगी कहीं नहीं जाएगी, अभी कहीं नहीं मिलने वाले, यहां आपकी आई है, यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, करेक्ट बेटा. ओके, व्हाट यू विल डू, मैं अगेन बोल रहा हूं भाई, मेरे को इसका इमेज दो. व्हाट यू विल डू, यू विल डू द बैकवर्ड ट्रेसिंग. ये देखिए, ये बैकवर्ड ट्रेसिंग, यहां आया इमेज, ये हो गया इमेज, ए डैश बी डैश, ये इमेज हो गया आराम से. ओके बेटा, ऑब्जेक्ट पोजिशन यू, इमेज पोजीशन भी आराम से, देखिए कुछ सेकंड्स रुकूंगा, ये इमेज बन गया इसका. ओके बराबर देखिए, अब इसमें ये जो फाइनल इमेज के साथ एंगल बन रहा है यहां से, ये देखो ये वाला एंगल, ये देखो बच्चों, इसको बोलेंगे बीटा. क्या बोलेंगे बच्चा? बीटा. ओके अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जरा टफ है. ऑब्जेक्ट की साइज मैं फाइनल इमेज की पोजीशन पर डालता हूं. आई रिपीट, ऑब्जेक्ट की साइज, फ्रेंड्स देखिए काफी टफ है, ऑब्जेक्ट की साइज फाइनल इमेज की पोजीशन पर डालता हूं. ये वाला, इसको नाम दे दो, चाहिए तो बी डबल डैश. ओके ये देखो, और ये एंगल बनाता हूं फ्रेंड्स, एंगल देखिए, ये देखो ये एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा. वापस देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा टफ है बेटा, फाइनल इमेज से ये एंगल बीटा, ऑब्जेक्ट की साइज यहां ट्रेस किया, ये एंगल अल्फा. आराम से देखिए. ओके अब इसमें जैसा आप जनरली केसेस में लेंसेज में बोलते थे मैग्निफिकेशन, जनरली यहां पर वर्ड होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्या वर्ड आएगा फ्रेंड्स? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्नि फिकेशन. ओके ये क्या होता है, बराबर देखिए बेटा, बीटा ओवर अल्फा, स्टैंडर्ड बुक इसको बी एम से ही बताएगी, ये होता है बीटा ओवर अल्फा. ओके अब जनरली हमारे केस में आपको सिखाया है अल्फा बीटा आई आर सब जनरली आर वेरी स्मॉल, तो मैं बीटा के बदले क्या लिख सकता हूं मैथ्स में बेटा? टेन बीटा ओवर टेन अल्फा, दोनों के साथ टेन लगा सकता हूं, आपको सिखाया है. व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल के साथ टेन लगा दीजिए, या उसमें से टेन या साइन हटा दीजिए, चलता है बेटा. ओके कॉस में नहीं चलेगा. ओके इसके साथ लगा. अब थोड़ी मैथ जगलरी, दैट्स कॉल्ड मैथ जगलरी. ओके साइन कन्वेंशन के साथ, ये देखो बेटा ये ट्राइंगल में, ये देखियो बच्चों ये ट्राइंगल में बेटा, ये देखो टेन बीटा क्या लिखोगे? अपोजिट, ये देखो बेटा ओवर, ये देखिए बेटा एडजेसेंट कितना हो जाएगा, लाइट ऐसी आ रही है आप ऐसा जा रहे हो, माइनस यू. आराम से देखिए बेटा इस ट्राइंगल में, देखिए फ्रेंड्स टेन बीटा ए बी ओवर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है यू, लेकिन माइनस यू, लाइट ऐसी आ रही है बेटा, आप ऐसा ले रहे हो पोल से. ओके नाउ स्टार्ट, बराबर देखो बेटा अल्फा के लिए टेन के लिए, देखो अगेन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डबल डैश, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, देखो बेटा इमेज का डिस्टेंस v, लेकिन ऑफ कोर्स माइनस v, माइनस v, करेक्ट है. ए बी दोनों सेम साइज है फ्रेंड्स, दोनों साइज सेम है, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो नेट आपका m क्या आ गया फ्रेंड्स? v बाय, दैट्स द फाइनल आंसर फॉर मैग्निफिकेशन, ये आपका आया मैग्निफिकेशन. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस वो बोलेगा केस वन,
when final image formed at distinct vision, that's very important fact. कैपिटल डी इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन, स्मॉल डी भी ले सकते हो. म्हणजे एक जनरल एडल्ट आई के लिए 25 सेंटीमीटर, जो जनरल एक 18-20 साल का जवान अच्छे से देखेगा, जनरली होता है 25 सेंटीमीटर, दैट कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, ये हुआ, इस पे बन रहा है तो बोलता है एम की वैल्यू क्या होगी. रिपीट बेटा, जब वी माइनस डी है, माइनस इसलिए कि ये साइड है, लाइट ऐसी आ रही है. ओके, तो आप मेरे को बताओ एम क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है. ठीक है, देखते हैं स्टार्ट. क्या फार्मूला है लेंस मेकर बेटा, फोकल लेंथ लेंस का कितना है एफ, बहुत स्लो जाएंगे, माइनस वन बाय डी फ्रेंड्स. ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी. आराम, कुछ सेकंड्स रुकते हैं, यहां जाके प्लस हो गया बेटा. सिंपल, यू टू पुट इन द लेंस मेकर, नथिंग एल्स. ओके, कितना आ गया एलसीएम, क्या हो जाएगा ये, तो यहां से यू की क्या वैल्यू आ गई. आराम, कुछ सेकंड्स रुकूंगा, आई रिपीट, कुछ सेकंड्स रुकूंगा. चलो एम को रिकॉल करो, एम की क्या वैल्यू बोले हो, ये देखो बेटा वी बाई यू, वी के बदले क्या डालोगे माइनस डी, यू के बदले क्या डालोगे माइनस एफ डी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एफ प्लस डी फ्रेंड्स, ये वैल्यू ऊपर चली गई, नीचे डाले तो. ओके बेटा, टी एंड डी कैंसल, माइनस माइनस प्लस. ओके, क्या बन गया ये, एफ प्लस डी ओवर एफ. ओके, और इसको बेसिक करेंगे क्या आ जाएगा, वन अलग अलग देखेंगे, प्लस d by f, mark very very important friends. तो आपने net net magnification क्या आया, of course I should say angular magnification, 1 plus d by f, where d you have to keep 25 centimeter. देंगे sir, data नहीं है, no that for normal adult eye is 25 centimeter focal length, आपको देंगे 1 plus d by f कब, when the final image is at distinct vision friends. बराबर देखिए बेटा, now friends we'll see the next condition, when the final image is at infinity. I repeat friends, पहला केस हमने करे, when the final image is at distinct vision 25 centimeter पे बेटा, now he says that the final image is at infinity. सबसे important है इमेज इन्फिनिटी पे कब बनता है वो देखिए प्लीज फ्रेंड्स, बराबर से एग्जैक्टली मैं फोकस पे जब रखूंगा, ये देखो बेटा एक रे ऐसी गई, बराबर देखिए एक सेंटर से ऐसी गई, दोनों पैरेलल जाएगी, जरा भी इसको डाइवर्जिंग एक्शन मत बताना, मैं तो आपको एबीसीडी नहीं पता फोकस का, मैम सॉरी ऑप्टिक्स का, सीधा सीधा पैरेलल जाएगी. ओके, अब इसका बैकवर्ड ट्रेस किया मैंने, तो फाइनल इमेज सिस्टम के लिए क्या बन रहा है, जरूर बन रहा है, कहां पर, इन्फिनिटी पे. ये हुआ डायग्राम, आराम से देखिए फ्रेंड्स, फोकस पे ऑब्जेक्ट को बिठाना पड़ेगा. ओके, अब देखिए सेम फाइनल इमेज के साथ एंगल कितना बीटा, ये ट्राइंगल में बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट ओवर फोकल लेंथ, 10 घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लिखना ही पड़ेगा जरूरी नहीं है, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट ओवर फोकल लेंथ, बट लाइट ऐसी आ रही है, आप ऐसा पढ़ रहे हो तो इसको माइनस एफ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट आपकी ऐसी आ रही है, आप डिस्टेंस के लिए माइनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके गुड, अब प्रॉब्लम है इमेज, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहां बिठाना होता है, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन है नहीं, इमेज तो इन्फिनिटी पे, कहां बिठाओगे, फंस गए, अल्फा के लिए तुम फंस गए, याद रखो अल्फा के लिए बेटा जनरली ऑब्जेक्ट को बिठाओ डिस्टिंक्ट विजन पे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, मैथ से कोई ड्राइव करके नहीं देगा. अभी अल्फा के लिए अपन क्या करते थे, पीछे यहाँ ट्रेस करते थे ना, कहाँ है फाइनल इमेज, यहाँ फाइनल इमेज इन्फिनिटी में आप बिठा ही नहीं सकते, तो अल्फा के लिए बेटा आप ऑब्जेक्ट को बिठाओ, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी साइज का, ये ए बी साइज का ऑब्जेक्ट है, कितने पे बिठाओ, डी पे, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, ए बी ओवर डी, अगेन लाइट ऐसा आ रही है, आप ऐसा पढ़ रहे हो, माइनस डी ले लो, ये हो गया अल्फा, कुछ सेकेंड्स रुकता हूँ. ओके सेम मैग्निफिकेशन, आप क्या बोले मुझे, बीटा और अल्फा, बीटा के बदले ये डालिए, अल्फा के बदले ये डालिए, ए बी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी ऊपर चला जाएगा, फाइनल आंसर विल बी डी बाई एफ.
वहां फ्रेंड्स था 1 प्लस डी बाई एफ, जब इंफिनिटी पे बनेगा तो ओनली डी बाई एफ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस अच्छे से एक बार देखिए, ओके फ्रेंड्स, नाउ वी सी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरली जो ब्लड टेस्ट वगैरह में जो देखते हैं, ब्लड के जो सेल्स वगैरह होता है, प्योरली माइक्रो लेवल पे जो टेस्टिंग होती है, दैट्स नथिंग बट जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है बेटा। ओके, व्हाट इज दैट? यहाँ पर दो लेंस होते हैं, वन जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है नजदीक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। आई रिपीट फ्रेंड्स, ओ एल यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ये देखिए बेटा, यहां से ये रे गई बराबर, देखिए यहां बैंडिंग देखिए, यहां गई जो इसके सेंटर से गई, यहां पर बना इमेज, ये था ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज बना, इसके नजदीक एक और बड़ा लेंस रखते हैं, लार्जर डायमीटर ऑफ अपर्चर, करेक्ट है, एंड लार्ज फोकल लेंथ। ओके, आंख इसके नजदीक होती है, आई इसके नजदीक होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आई पीस, या कुछ बुश में बोलते हैं आई पीस लेंस, या सिर्फ बोलो आई पीस, या बोलते हैं आई पीस लेंस। देखो यहां है, ओके बेटा, यहां आई रखे आपने देखने के लिए। ओके, अब देखो इसमें डायग्राम देखो बेटा, ये ऐसा गया स्ट्रेट, यहां से बेंडिंग हुई, ये सेंटर से गया। ओके, ये ऐसा डाइवर्जिंग नेचर है। अब इसका बैकवर्ड ट्रेस लेंगे, ये देखिए बेटा बैकवर्ड ट्रेस लेंगे, यहां मिला बराबर, देखो बेटा इसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग, ये देखिए, ओके, यहां पर ये देखिए बेटा फाइनल इमेज बनेगा, जिसका नाम दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स वर्चुअल है फ्रेंड्स, ये वर्चुअल इमेज है, क्यों? रिफ्रैक्टेड बीम यहां है, वो यहां है। ओके, अब जरा नॉमेनक्लेचर देखिए, ये डिस्टेंस को बोलेंगे U not, यानी ऑब्जेक्ट लेंस से, O यानी ऑब्जेक्ट लेंस से, U O, ये हो गया V O, यानी इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस से। ये देखो फ्रेंड, ये अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे U E, E यानी आई पीस, E यानी आई पीस, U E फाइनल इमेज बना बेटा यहां पर, इसको बोलेंगे V E, यानी फाइनल इमेज का डिस्टेंस आई पीस से। इसका फोकल लेंथ F O, इसका फोकल लेंथ FE, इसका फ्रेंड्स FO, इसका FE, आराम से देखिए बेटा। ओके, रे डायग्राम इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बीटा, इसके रेफरेंस से खेलेंगे, बीटा ये देखो बेटा, ये एंगल ये देखिए बेटा, ये बड़ा एंगल ये देखिए, एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय फाइनल इमेज, ये वाला एंगल बेटा। ओके, अब देखिए फाइनल इमेज की पोजीशन पे इसको ट्रेस करो ऑब्जेक्ट को, ये देखो बेटा फाइनल इमेज की पोजीशन को ऊपर एक्सटेंड करो और इसको यहां से प्रोजेक्ट करो, इसको नाम दे दो, ये क्या है, इसको नाम दो बी ट्रिपल डैश, ये बी है ना, इसको यहां लाओ बी ट्रिपल डैश। ओके, अब देखो बेटा इसको मिला, इसको मिला, इसको नाम दो अल्फा, यानी एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन कहां पर, एट पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आईपीस, बट कहां पर, एट द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, ये हो गया अल्फा। आराम से देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेकंड रुकता हूं। अब मैग्निफिकेशन, सेम फार्मूलास, बीटा ओवर अल्फा, करेक्ट, इसमें दो दो लेंस है, तो इसका आएगा पहले एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एम ई, क्योंकि पहले ये कुछ बड़ा करेगा, फिर उसको उल्टा ये और बड़ा करेगा, द नेट मैग्निफिकेशन में भी एम नॉट इंटू एम ई। जनरल मैग्निफिकेशन, अगर मैं जनरल लेंस की बात करूं, आप बोलते हो वी नॉट बाई यू नॉट, इसका वी नॉट, आई एम सॉरी, वी नॉट बाई यू नॉट, इसका वी ई बाई यू ई, जनरल लेंस में करके लिए मैग्निफिकेशन बेटा। ओके, नाउ स्टार्ट, अभी आप एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हो, देखो बेटा इसके लिए तो सेम ही रहेगा वी नॉट बाई यू नॉट, इसके लिए अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने किया क्या होता है, 1 plus d by fe, I repeat friends, 1 plus d by fe, कब, when ve is at distinct vision, फिर आपने मुझे बोला only d by fe, कब friends, जब ve is infinity, ये थोड़ी देर पहले हमने माइक्रोस्कोप में किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप में,
जब माइनस डी पे बनता है तो मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी बाय एफ ई, और जब इन्फिनिटी पे बनता है तो सिर्फ होता है डी बाय एफ ई। तो ये नेट ये होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसका फाइनल आंसर जनरली साइन कन्वेंशन से माइनस आएगा। एन माइनस क्यों आएगा? बिकॉज जनरली इमेजेस देखिए आप इन्वर्टेड बनते हैं। जनरली इमेजेस क्या बनेंगे यहां पर? इन्वर्टेड बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी द टेलीस्कोप दैट इज नथिंग बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, जनरली टू सी द हेवनली बॉडीज, कोई प्लैनेट स्पेशल देखना है, कोई स्टार्स वगैरह की स्टडी करना है, जनरली वी सी द टेलीस्कोप। ओके, दैट्स नथिंग बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फ्रेंड्स, सब कुछ मोर और लेस सेम है, सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंस विल बी ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट सॉरी आईपी लेंस इसके कंपेयर में थोड़ा छोटा होता है। ये बड़ा है फ्रेंड्स इससे, इट इज मोर। ये पहला कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए बेटा, रे इन्फिनिटी से आती है, ये देखिए यहाँ कन्वर्ज हुई, जो सेंटर से गई सीधा यहाँ गई, ये यहाँ आई सीधा, ये बन गया इमेज। बराबर देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया इमेज। सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इस फोकल लेंथ के लिए ये फोकल लेंथ पर बनेगा, यानी VO क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ F नॉट। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये देखिए ये डिस्टेंस इस इमेज का कितना हो जाएगा? FO, VO इज इक्वल टू FO, ये पहली चीज। ओके, अब यहां बैठा है IP, जो कंपेयर में फोकल लेंथ इससे थोड़ा सा छोटा है। ओके बेटा, अब देखिए ये मैंने बनाया IP लेंस, ये देखिए रेस, देखिए एक ऐसा गई, यहां डाइवर्ज कीजिए, एक सेंटर से गई, ये कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं बोल रहा हूं फिर वही इमेज बनाओ, क्या करोगे आप? बैकवर्ड ट्रेस करो इसका, यहां मीट हुई, ये होगा फाइनल इमेज फ्रेंड्स, ए डबल डैश बी डबल डैश। आराम से देखिए कुछ सेकेंड्स। ओके, अब देखिए फाइनल इमेज का ये एंगल, ये देखिए बेटा फाइनल इमेज के साथ का ये एंगल, ये देखिए बीटा, यहां अल्फा, बहुत सिंपल, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ एंगल बन रहा था ये वाला कमिंग लाइन का, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कमिंग बीम का था वही एंगल अल्फा, इट्स कॉल्ड अल्फा। इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो गया अल्फा। ओके, नाउ अगेन टेक्निकल स्टार्ट। आप क्या बोलते हो? जब फाइनल इमेज इज अ डिस्टिंक्ट रीजन, यानी VE, जब ये फाइनल इमेज यहां से VE माइनस डी पे बनेगा तो स्टार्ट, बीटा इज इक्वल टू फ्रेंड्स, बराबर देखिए बीटा इज इक्वल टू, देखो ट्राइंगल, देखो बेटा फ्रेंड्स ट्राइंगल, देखो बीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा अपोजिट टेन बीटा ना, ओवर एडजेसेंट, आई रिपीट अपोजिट कितना आएगा? माइनस ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है फ्रेंड्स, इनटू यूई। ओके, देखो लाइट ऐसा आ रही है, आप ऐसा पढ़ रहे हो, माइनस यूई। अब देखिए फ्रेंड्स टेन अल्फा, ट्राइंगल देखो बच्चों, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल देखिए प्लीज, ये देखो टेन अल्फा या अल्फा अपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये देखिए बेटा ए डैश बी डैश अगेन, लेकिन माइनस क्यों? वो भी नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, इनटू ये डिस्टेंस फ्रेंड्स कितना है? एफ नॉट, ये एफ नॉट करेक्ट है। मैग्निफिकेशन आप क्या बोलते हो? बीटा बाय अल्फा, मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, ये देखो ये दोनों कैंसल, क्या बच गया? माइनस एफ नॉट बाय वीई, सॉरी यूई, सॉरी माइनस माइनस कैंसल, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसल, बचा माइनस, ये ऊपर चला गया एफ नॉट बाई यू ई। आराम से देखिए बेटा, ओके अब लगाइए लेंस मेकर, हमेशा आईपी के लिए द इंपॉर्टेंट गेम सब आईपी पे होता है। लेंस मेकर मारिए, वन बाई यू ई प्लस वन बाई बी ई इज इक्वल टू वन बाई एफ ई। ओके, ये माइनस डी डालिए फ्रेंड्स, माइनस डी डालिए, यहां जाके प्लस हो जाएगा, यहां से UE निकालिए, ये वैल्यू आएगी, आराम से LCM करके देखिए बेटा, ये UE आएगा। ये UE की वैल्यू फ्रेंड्स यहां डालिए, ये UE की वैल्यू फ्रेंड्स यहां पर डालिए, ये देखो क्या आ जाएगा। अब देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस, F नॉट बाई एफ ई, ऐसे लिखा, ये डी को अंदर लेके जाऊंगा, ये कैंसिल होकर वन आ गया और यहां बच गया एफ ई बाई डी,
देखिए फ्रेंड्स, इसको अंदर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा एफ ई बाई डी और ये हो जाएगा डी डी कैंसल वन, तो नेट मैग्निफिकेशन आया आपका एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। आराम से देखिए, जनरली आपका ये वैल्यू जनरली नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड ही बन रहा है। अब वो नेगेटिव कैसा आया या दिख नहीं रहा है, बट अंडरस्टूड है। ये देखिए, ये एंगल कैसा है प्रिंसिपल एक्सिस से, बोलिए बेटा क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा है एंटी क्लॉक, बराबर। देखिए ये क्या है क्लॉक, ये कैसा है देखिए ना एंटी क्लॉक। तो सिस्टम के लिए ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर है, सिस्टम के लिए ऑलरेडी यहाँ माइनस है। इज दैट क्लियर नाउ, यानी इमेज विल बी डेफिनेटली इन्वर्टेड, इमेज ये इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है। क्यों? ऑलरेडी ये अल्फा ये बीटा दोनों के साइन अलग है, तो ये अंडरस्टूड या माइनस है, थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड्स, या माइनस मैथ से नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगेन वी विल सी द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बट व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ओके, जो आईपी से, आई रिपीट, आईपी से जो फाइनल इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ओके, अगेन रे डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ अपर्चर एंड फोकल लेंथ, बराबर। देखिए बेटा, बीम पैरेलल आ रही है, थोड़ा कन्वर्स करके नीचे उतारो, जो सेंटर से गई बिल्कुल डेविएट मत करो, लास्ट रे और ये बन गया इमेज। आराम से देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया इमेज U नॉट इन्फिनिटी से आ रही है, इमेज कहाँ बनेगा, ऑफकोर्स फोकस पे बनेगा। ये हो गया V नॉट इज एफ ओ, ये डिस्टेंस इसका फोकल लेंथ है। देखिए बेटा ये डिस्टेंस, ओके अब नाउ द टेक्निकल स्टार्ट। इसका इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो विदाउट फेल इसके फोकस पे इसको बैठना पड़ेगा। आप बोलते हो द इमेज इज एट इन्फिनिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इसके फोकस पे बैठना पड़ेगा, तो नहीं चीज सीखी, यू इज एफ ई, इसके फोकस पे बैठी। ये देखिए रे डायग्राम देखिए, एक रे ऐसी गई, दूसरी रे सेंटर से पास करो, सीधा पैरेलल है, डाइवर्ट मत करो, डाइवर्ज मत करो, सेम बैकवर्ड ट्रेसिंग लो, सिस्टम के लिए इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है। आराम से देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए बेटा ये फाइनल इमेज के साथ ये एंगल बीटा पैरेलल बीम का इस लेंस के साथ अल्फा। अब बीटा देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट ओवर एडजसन, ए डैश बी डैश ओवर एफ ई, दोनों माइनस, ये भी नीचे है, बराबर। देखिए बेटा ये माइनस क्यों लेंगे बेटा, ये फोकल लेंथ है, लेकिन लाइट ऐसी आ रही है, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, माइनस एफ ई। देखिए फ्रेंड्स, फिर टेन बीटा, सॉरी टेन अल्फा या अल्फा, ये देखो बेटा ए डैश बी डैश, लेकिन माइनस, ये भी नीचे है, एडजसन ये एफ ओ, ये पॉजिटिव आएगा, लाइट ऐसा जा रही है, आप भी ऐसा पढ़ रहे हो, करेक्ट है। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर विल बी बीटा बाय अल्फा, ये दोनों कैंसिल, करेक्ट है, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी माइनस एफ नॉट बाय एफ, सिंपल। तो इसका आंसर क्या देखे आपने मैग्निफिकेशन, सिर्फ एफ नॉट बाय एफ। आराम से देखिए रे डायग्राम एंड कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ओके, इसमें क्या है बेटा, देयर इज अ वन पैराबोलिक मिरर, पैराबोला का शेप का ये मिरर होता है, इनसाइड दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, बराबर। देखिए बेटा ये पैराबोलिक टाइप है, ओके ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के सेंटर में एक सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब देखिए रे इन्फिनिटी से आ रही है, देखिए रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सीधा रिफ्लेक्शन रूल ओबे कर यहाँ आई, यहाँ से भी ओबे करके यहाँ लेंस होता है, इसको बोलते हैं आईपी लेंस, इसके थ्रू यहाँ चली गई आई। सेम ये बीम आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ चली गई, इज़ क्लियर। यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, अगे इन्वर्टेड बनेगा फ्रेंड्स, ये नीचे आया, नीचे का ऊपर चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको यूज करने का जो इंपॉर्टेंट पर्पस है, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबरेशन,
कुछ आई के डिफेक्ट्स है, कुछ विजन के डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें वो डिफेक्ट्स नहीं आएंगे बिकॉज पैराबोलिक मिरर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एब्रेशन को एलिमिनेट कर देता है। तो इनमें जो आपका इमेज दिखेगा बहुत साफ, ब्लरिंग उसमें नहीं होगी क्योंकि स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है ड्यू टू पैराबोलिक मिरर, इसीलिए इसको यूज किया जाता है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी वन टिपिकल एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, ही सेज दैट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपी लेंस वेरी बिटवीन 9.8 टू 11.8, यानी बेटा दोनों लेंस का बीच का गैप एडजस्टेबल है, कम से कम 9.8 रखना है और 11.8 ज्यादा में ज्यादा रखना है। ही सेज दैट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके, फोकल लेंथ इज किसका, ऑब्जेक्टिव का 1 सेंटीमीटर, आईपीस का 6 सेंटीमीटर। आईपीस बच्चों बड़ा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है। फाइंड द रेंज ऑफ पावर मैग्निफिकेशन, यानी एम का आपको रेंज निकालना है कि एम की वैल्यू कहां से कहां जाएगी। मैग्निफिकेशन को पावर ऑफ मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन आप बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, एक ही चीज है, टेंशन मत दीजिए। ओके, हाँ एक हिंट दिया इसमें, VE always at 24 सेंटीमीटर means almost distinct vision पे, almost distinct vision पे 25 के बाद 24 सेंटीमीटर दिया, इट्स ओके, ये आपको दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका रे डायग्राम और सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब उसका रे डायग्राम जो हमने सम अभी देखा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस 1 सेंटीमीटर, आईपी लेंस 6 सेंटीमीटर। बराबर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ये देखिए इमेज फॉर्मेशन, ये देखिए सेंटर से ये इमेज बन गया फ्रेंड्स, ए डैश बी डैश इमेज, करेक्ट। आईपी के लिए रे डायग्राम देखिए बेटा, ये रे ऐसी गई, ये रे सेंटर से करी पास, ये डाइवर्ज हो रही, इसका बैकवर्ड ट्रेसिंग लिया, ये बना फाइनल इमेज। फ्रेंड्स अब आप सोचोगे सर ये इस साइड कैसा लेंस का, अरे भाई यही दिया है आपको ज्यादा में ज्यादा 11.8 और ये दिया हुआ है 24, तो बट नेचुरल ये लेंस के इसी साइड आएगा 24। ये देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस से फाइनल इमेज का डिस्टेंस VE 24 फ्रेंड्स, और नाम होगा इमेज का ए डबल डैश बी डबल डैश। आराम से देखिए पहले ये रे डायग्राम पहले देखिए बेटा, अदरवाइज इट्स अ केक वर्क। अब पहले आईपी लेंस के लिए मारेंगे, लेंस मेकर 1 बाय यूई प्लस 1 बाय वीई इज इक्वल टू 1 बाय एफई। ओके, वीई के बदले माइनस 24, आई रिपीट माइनस 24 क्यों, लाइट ऐसा जा रही है, इमेज इस साइड बन रहा है। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे यूई आएगा माइनस 4.8, कितना आएगा यूई माइनस 4.8 फ्रेंड्स, ये देखिए ये डिस्टेंस हुआ 4.8, आई रिपीट ये डिस्टेंस हुआ 4.8। ओके, अब देखिए बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बराबर देखिए पहले 9.8 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 9.8 माइनस 4.8 ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये देखिए फ्रेंड्स 5। अब इसके लिए लेंस मेकर 1 बाय माइनस यू ई प्लस 1 बाय वी ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ओ, आई रिपीट 1 बाय यू ओ आई एम सॉरी प्लस 1 बाय वी ओ प्लस 1 बाय एफ ओ, जस्ट पुट द वैल्यू 1 by UO as it is, यहाँ पर क्या डाल देंगे बेटा 5, इस केस में प्लस ही रहेगा, क्यों, डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हो, लाइट भी ऐसा जा रही है, प्लस ही रहेगा। जब इसको फ्रेंड्स सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आएगा माइनस 1.25, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.25। ये देखिए आराम से कुछ सेकंड्स रुकूंगा। ओके, अब सिंपल फार्मूला लगाइए, V नॉट by U नॉट 1 plus D by FE, कौन सा वाला बेटा, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन, कौन सा वाला, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इसके बदली डाला 5, इसके बदली रखा 1.25 फ्रेंड्स, 1 प्लस इसके बदली 24 एफ ई 6, ये देखिए बेटा। ओके, ये आएगा 20, ये कितना आया 20, तो मैग्नीफाइंग पावर फर्स्ट केस में जब ये डिस्टेंस है कितना आएगा 20। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे
कॉपी पेस्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको भी करने की जरूरत नहीं, खाली क्या चेंज होगा, बराबर देखो ये सेम रहेगा फ्रेंड, ये सेम रहेगा, खाली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 11.8 माइनस 4.8, आई रिपीट यहां कितना आ जाएगा, खाली चेंज देखो 11.8 माइनस 4.8 यहां आएगा 7, यहां चेंजेस हो जाएगा थोड़ा सा, सेम वैल्यू यहां डालोगे, सेम वैल्यू यहां डालोगे, आई रिपीट फ्रेंड्स वापस एक बार, यहां तक सम सेम, यहां से चेंज मारा, यह आएगा 11.8 माइनस दिस, यह आएगा 7, ये वैल्यू चेंज हो गई, जो वैल्यू आई सिंपल स्कूल की मैथ जैसा यहां डाल दी, उसका आंसर आएगा 30। थोड़ा याद रखिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो घर पे भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको चाहिए तो याद रखिए, उसका आंसर आएगा 30। तो रेंज क्या बैठ गई, 20 to 30, याद रखिएगा। ओके ना स्टूडेंट्स, वी विल सी द अनदर एग्जांपल ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। He says that in astronomical telescope, magnifying power is 50, tube length is 102 centimeter, and the telescope is in normal adjustment. Normal adjustment means, friend, final image is at infinity. And he's asking, find power of objective lens and IP lens. Friend, OL means objective lens, EL means IP lens. Okay, now start. Ab sabse pehle, नॉर्मल एडजस्टमेंट में व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, एफ नॉट बाय एफ ई इज इक्वल टू होता है मैग्नीफाइंग पावर, ये दिया हुआ है एफ ओ ओवर एफ ई इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ बाय एफ ई, ये दिया हुआ है 50, तो एफ ओ विल बी 50 एफ ई, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 50 टाइम्स होता है आई पी लेंस के। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्यूब लेंथ दिया है 50, ट्यूब लेंथ का मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है एफ ओ प्लस एफ ई, बिकॉज जो हेवनली बॉडी से लाइट आती है इन्फिनिटी से, उसका इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ में, और फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी में चाहिए, इसीलिए जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो फोकस होगा आई पी लेंस का, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये कितना दिया है 102, करेक्ट है, इसके बाद डालो 50 एफ ई फ्रेंड्स, ये हो गया एफ ई 51 एफ ई इज इक्वल टू, यहां से एफ ई आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर, आराम से देखिए कुछ सेकंड्स रुकेंगे, यहां से एफ ओ आ जाएगा इसका 50 टाइम्स, 50 इंटू 2 मजे 100 सेंटीमीटर, आराम से कुछ सेकंड्स रुकते हैं। ओके अब पावर IP लेंस का 1/2, लेकिन मीटर में चाहिए, 10^-2 मीटर हो गया, तो ये हो गया 100/2, कितना आ गया 50 डायप्टर, IP का कितना आया पावर 50 डायप्टर, अब इसका निकालेंगे कितना आया बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में करो, ऊपर चले गया 100/100 दोनों कैंसिल, कितना आ गया 1d, तो इसका पावर कितना आ गया 1 डायप्टर ऑब्जेक्टिव लेंस का।